उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर एनकाउंटर मामले में SIT गठित कर दी है। SIT की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी करेंगे। जांच रिपोर्ट 31 जुलाई तक सरकार को सौंपनी होगी। आइए जान लेते हैं कि SIT किन पहलुओं की जांच करेगी। नंबर एक, विकास दुबे के खिलाफ जितने भी केस हैं उनमें क्या कार्रवाई की गई है, उसके और उसके साथियों को सजा दिलाने के लिए की गई कार्रवाई क्या पर्याप्त थी। नंबर दो, विकास दुबे के खिलाफ कितनी जन शिकायतें आईं और उन पर थानाध्यक्ष शोभेपुर और अन्य अधिकारियों ने क्या जांच करवाई। नंबर तीन, विकास और उसके साथियों के पिछले एक साल के कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी कि CDR की जांच की जाएगी। नंबर चार, घटना के दिन अपराधियों के पास किस तरह के हथियार थे, इसके बारे में जानकारी जुटाने में किस स्तर पर गलती हुई, क्या थाने को इसकी जानकारी थी, इस बात की SIT जाँच करेगी। नंबर पाँच, विकास और उसके साथियों के पास हथियार का लाइसेंस होने का भी SIT को पता लगा है। इतने अपराधों में शामिल रहने के बाद भी उन सबको लाइसेंस कैसे मिला, इसकी जानकारी भी SIT करेगी। नंबर छः, विकास और उसके साथियों के पास अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और उसके आर्थिक गतिविधियों की भी जाँच SIT करेगी। नंबर सात, क्या विकास दुबे ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, अगर हाँ तो कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, इसकी भी जांच SIT नए सिरे से करेगी।